सीखने जा रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज को सीखने से पहले मैं कुछ चीज़ें सिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। और परसेंटेज में अगर ये जो कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जो फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, अगर आपको ये धीरे धीरे, अगर मतलब ये रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना, लेकिन क्या है कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसे लगातार, तो धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे आपको। और जैसे ही एक बार याद हो गई, उसके बाद क्वेश्चन और जल्दी हो जाएंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। तो ये होता क्या, कैसे, किस तरीके से करेंगे, इसे क्या समझना है इसमें, वो मैं बताता हूँ आपको। और इसका यूज कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, इसका यूज जनरली हम मेंसुरेशन में करते हैं। मेंसुरेशन में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज बेस पे दिए जाते हैं कि किसी कोई वर्ग है या कोई स्क्वायर है, उसकी साइड्स को इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया गया या डिक्रीज कर दिया गया, तो एरिया में कितना चेंज आएगा। या फिर हो सकता है कि आपसे कोन, क्यूब या फिर क्यूबॉइड, या हो सकता है स्फेयर में भी पूछ लिया जाए, तो किसी भी डायग्राम में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर हर जगह ये काम आने वाला है। उसके अलावा ये प्रॉफिट लॉस, CISI, सब में काम आता है, सभी चैप्टर्स में। तो उसी बेस पे अभी आप इसको समझने के बाद हम 10-11 क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले आपको जैसे पता है कि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1/2, 1/2 कितना होता है, 50%, या ऐसा बोलो 50% कितना होता है, 1/2। आप 50% को 1/2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपको आता होगा, क्योंकि देखो 50% है, परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर का मतलब प्रत्येक, और सेंट का मतलब 100, यानी 100 में से एक, पर 100 यानी प्रत्येक। तो इसी को हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, प्रतिशत या प्रतिशतता ऐसे लिखते हैं, प्रतिशत लिख लो या प्रतिशतता। ओके, उसके बाद हम जैसे 50% है, तो 50% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 50/100, तो ये कैंसिल हो जाता है 0 से 0, और 5 1 5 और 5 2 1/2 आता रहा। तो देखो 50% कितना होता है, 1/2। ऐसे अगर 33 1/3, या इसी को हम चेंज करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 100/3, तो 100/3% कितना होता है, 1/3। 25% कितना होता है, 1/4, क्योंकि देखो अगर 25% है तो मैं 25 लिखता हूँ, और परसेंटेज को हटाने के लिए, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए मैं अपॉन में 100 लगाऊंगा, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 दिख रहा है आपको, 1/4 मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, अब क्लियर होगा ये, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो ये जो फ्रैक्शंस, बेसिक फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपको क्या करना है, तो नोटबुक में एक बार नोट कर लेना है, सारे इसी तरीके से चेंज होते हैं। अब इसके साथ साथ इसका जैसे मान लो 1/2, 50% कितना है, 1/2, 1/2, 100% कितना होगा, 1 सीधा, क्योंकि 100/100 करेंगे तो क्या आएगा, 1। जैसे 1/6 है, तो 1/6 का मतलब 16 2/3%, यानी 16 से ही 2/3% जब दिया जाएगा तो उसका मतलब कितना होता है, 1/2, 1/6। इसको चेंज कैसे करते हैं, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होता है, और ये ऐड हो जाता है, तो 50 50/3। अब 50/3 है, जिसमें यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, 50/3 है, और ऊपर क्या परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे, 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/6 आता है ना, तो वही 1/6 लिखा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन जल्दी होंगे। अगर नहीं भी पता, अगर डायरेक्ट परसेंटेज का भी यूज करते हैं, डायरेक्ट सीधे इस तरीके से परसेंटेज के, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं इनको थोड़ा और समझाता जाऊंगा, और अगर प्रॉब्लम हो तो अब बता देना, अगर समझ नहीं आ रहा हो इस, या क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देना, इसको समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। ओके, इसी तरीके से नीचे भी दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो सारे नंबर्स, इतने सारे याद भी नहीं करने, ये तो बड़े लेवल तक की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैंने बता दिया सारा, बट आप चाहो तो याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो ये सारी वैल्यू एक बार देख लो, इसे नोट कर लेना एक बार नोटबुक में, और उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होंगे। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखो 1/3, 33 1/3% होता है, ऊपर हमने देखा, और इसी का 2/3 पूछ लिया जाए तो 2/3 क्या होगा, अगर ये देखो ये 1/3 था, इसको हमने दुगना किया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तब आया ना 2, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी इसको दुगना कर देंगे तो अपने आप इसका फ्रैक्शन निकल जाएगा। जैसे 1/5 कितना होता है, 20% होता है, 1/5 20% होता है, तो इसका अगर 4 टाइम्स कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी 20 का 4 गुना कितना हो, देखो 80। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। 1/4 कितना होता है, 25%, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3/4 हो जाएगा, तो
तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3/4 की वैल्यू कितनी होगी 75%। इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से सारे फ्रैक्शंस को आप नोट कर लेना और इनका यूज करेंगे क्वेश्चनों में तो जल्दी होगा। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका यूज कैसे करना है। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे, फाइंड 33 1/3%, यानी 33/1/3% ऑफ 333, दैट मीन्स 333। तो अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है कि इसका मतलब कितना होता है, 33/1/3% का मतलब कितना होता था 1/3, वो मैंने आपको चेंज करना भी बताया था कैसे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता 99 और ये 100। तो 100/3, अब 100/3 हुआ लेकिन ये परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 100, इसे डिवाइड करते 1/3, तो ऐसे आया था वो। तो यानी इसको अगर आपको याद हो जो मैंने अभी चार्ट दिखाया, तो 1/3 डायरेक्ट लिख सकते हो और ऑफ की जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, हिंदी में से का बोलते हैं, और इधर ये। तो अगर आपको ये इसकी वैल्यू पता है तो डायरेक्ट माइंडली सॉल्व कर सकते हैं आप, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा 111। एक और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 10% ऑफ 500 एंड 20% ऑफ 200। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, नहीं तो नहीं आता, तो अब जब तक याद नहीं था तो आप इसे करके देखिए। 10% परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो कितना नीचे लगेगा, 100, इससे कट जाएगा 1/10, तो 1/10 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि ऑफ बोला हुआ है, प्लस देखो 10% कितना आया 1/10, तो 20% कितना आएगा, 20% इसी में दुगना हो जाएगा। तो अगर इस 1/10 को दुगना करोगे तो 2 से तो ये कट जाएगा, तो 1/5 आएगा, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, और नहीं आता तो 20% भी सॉल्व करके देख लो। देखो 20% 20 परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में कितना होता है 100, तो कितना लिख सकते हैं 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तभी आ गया। उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल 40 वर्ग में, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये बचा 50 और ये कितना हो गया 40 × 40, तो कितना आ गया 90। तो आप इस तरीके से अगर आपको ये फ्रैक्शन याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 10% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब। तो ये सारी वैल्यू अगर याद करते हैं आप तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन करना बहुत अच्छा। अब हम आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा था बट ये बेसिक पता होना चाहिए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो उस एरिया में कितने परसेंटेज चेंज होगा वो आपको बताना है। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर डिटेल मेथड में आए तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर जिस अप्रोच की तरफ हम बढ़ रहे हैं अगर उस अप्रोच से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है, L × B, L × B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, देखो L और B है ना, सबसे पहले ये देख लो कि कौन सा कितना परसेंट बढ़ा है। तो लेंथ इंक्रीज हुआ है 20%, अब 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, और ब्रेथ डिक्रीज हुआ है 10% का मतलब होता है 1/10। अब समझने की बात क्या है कि नीचे वाली वैल्यू जो होते हैं ये ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल यानी दैट में 100% आप बोल सकते हो इसे अब। ओके और ऊपर वाला जितना भी चेंज होगा या जितना भी, जैसे मान लो ये 20% का मतलब क्या हुआ, आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि 20% का मतलब 20 और परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100। अब मैं अगर ऐसा बोल दूं कि 20% बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज किया गया है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, 20 बढ़ेगा। तो बस वही समझना है आपको कि 20% का मतलब 1/5, यानी 5 के कंपैरिजन में 1 बढ़ेगा। अगर इंक्रीज बोला हुआ है, इंक्रीज के लिए मैं अप एरो लगा देता हूँ और डिक्रीज के लिए डाउन एरो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर एरो ऊपर है इसका मतलब बढ़ाया गया, तो 5 से कितना हो जाएगा लेंथ, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक बार लेंथ लिख लीजिए, एक बार ब्रेथ लिख लीजिए। और बोला गया है क्या बोल रखा है कि लेंथ जो है बढ़ा दिया जाता है, तो 5 से 6 हो गया, यानी पहले लेंथ अगर 5 था तो अब कितना हो गया 6। ओके 5 के कंपैरिजन में कितना हो गया 6। फिर बोला है कि ब्रेथ जो डिक्रीज कर दिया था 10% डिक्रीज करने का मतलब 10 के कंपैरिजन में जो भी होगा, अगर इंक्रीज हुआ तो ऊपर वाला बढ़ेगा, डिक्रीज हुआ तो ये माइनस होगा, तो 10 के कंपैरिजन में कितना हो गया 9, घट गया है क्योंकि डिक्रीज बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, L × B होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 50, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 54। तो
इसके बाद हमें जब इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है कि एरिया में कितने परसेंट चेंज आएगा, पहले तो ये देख लो 50 है, ये ओरिजिनल होता है और ये न्यू होता है। ओरिजिनल का मतलब पहले कितना था और बाद में चेंज होने के बाद क्या होगा। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, 4, और अपॉन में कितना, बटे में कितना लिखेंगे, जो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल हमेशा ये इसको लिखेंगे, और इंटू में कितना, 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8%। और एरिया क्या होगा, इंक्रीज, तो आप इंक्रीज लिख दीजिए या फिर अप एरो का सिंबल लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है बस, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि ओरिजिनल वैल्यू को आपको 100 बनानी है तो भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ 50 है ना, इसको अगर दुगना करोगे तो 100 हो जाएगा, दुगना अगर इधर भी करोगे तो दुगना इधर भी करना होगा। तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा, 108। तो 100 के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा ना, तो 8% इंक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब डिक्रीज होगा। ओके, आओ और क्वेश्चन समझते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, एक वर्ग की भुजा कितनी बढ़ा देती है, 40%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, जिसका एरिया में कितने परसेंट चेंज होगा वो बताना है आपको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब अभी क्या है कि आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर समझ सकते हैं। तो साइड का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी दो बार साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। इंक्रीज कितना हो रहा है, 40%। तो 40 का मतलब 40/100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 से तो 0 कट जाएगा, 2 2 4 और 2 5 2/5। या आपको अगर ऐसे भी आ जाता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 20 का दुगना तो 40 है, तो 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब कितना होगा, इसी का तो दुगना हुआ है, ये दुगना हुआ तो ये भी दुगना हो जाएगा, इन 2/5 हो जाएगा। तो उस चीज़ को ही हमने लिखा है, उसको आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, तो अब साइड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब साइड को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इंक्रीज बोला है तो ये नीचे वाले के कंपेरिजन, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये जितना उस पर इफेक्ट पड़ता है, जितना चेंज या डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी होगा। तो पहले हम एक बार क्या लिखेंगे, साइड को 5, और बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ाना है तो 7, फिर 5, फिर 7, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एक साइड का स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखेंगे हम। तो ये तो ओरिजिनल यानी 25, और ये न्यू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 49। मल्टीप्लाई करना ध्यान रखना, आप जोड़ो ना मत, नहीं जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। ये 25, एक तरीका तो ये इनका डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस निकालेंगे इसमें से तो कितना आएगा, 24, 24 अपॉन में कितना, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कितना 25 है, तो 25 इंटू में 100, इसे सॉल्व कर लीजिए 4, तो कितना आया, 96%। इधर से ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा तो इंक्रीज, तो आंसर क्या होगा, 96% इंक्रीज। ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन होगा, बी। आप एज जल्दी से लगा सकते हो कई बार, तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर ये ना निकालना चाहो तो इसका ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ किसी भी तरीके से इसे 100 बना दो। तो इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करना, 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये हो गया 100, और 4 से मैं इधर करता हूँ मल्टीप्लाई तो ये हो गया 96। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 96 का। जब ये 100 होगा ना, जो बेस है, जो मूल वैल्यू है वो 100 होने चाहिए, तो उसके कंपेरिजन में जितना ये ज़्यादा होगा या कम होगा उतना ही परसेंटेज चेंज होगा। तो 96 ज़्यादा है ना, तो 96% इंक्रीज। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आपको आने लग गया होगा, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट तक देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मेंसुरेशन से हटकर भी परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हिज मनी अ मैन हैज रुपीज 93 लेफ्ट। 69% यानी 69% खर्च करने के बाद एक आदमी के पास 93 रुपीज़ बच जाता है। हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट, तो उसके पास शुरू में कितना पैसा था, आरंभ में कितना पैसा था वो बताना है आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना है, ये बिना पेन के कर सकते हो आप। देखो अगर वो इतना खर्च करता है 69%, कोई भी चीज़ ओरिजिनल सैलरी या ओरिजिनल वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। तो अगर उसने 69% खर्च किया तो उसके पास बचेगा कितना, अगर 100% ओवरऑल होगा उसमें से 69 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 31%। 100 में से ये घटा लेंगे, 100 में से 31% परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो 31 बचेगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना, रुपीज़ के अकॉर्डिंग 93। 31% जो बचेगा वही तो अपने आप किसके बराबर होगा, 93 रुपीज़ के अकॉर्डिंग।
यही होगा ना बस। तो इतने ही क्वेश्चनों को ऐसे करना है, देखो इसे क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो 1% 3 रुपये के बराबर। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के कितना शुरू में था, 100% निकालना है, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो, यानी शुरू में उसके पास कितना था, 300 रुपये था, आप क्रॉस चेक करना हो तो आप कर सकते हो, 300 रुपये का इतना परसेंट निकाल के घटा लेना, इतना ही रुपये उसके पास बचेगा। ओके अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसमें क्वेश्चन गिवन है द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 5% एनुअली, यानी गाँव की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ जाती है वार्षिक, एनुअली का मतलब वार्षिक, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4410, 4410, वट इट वॉज 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले कितनी थी। तो यहाँ भी देखो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को जब आप डिटेल में करोगे तो इसे सी आई वाला फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर परसेंटेज आपने समझ गया ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो 5% का मतलब कितना होता है, पहले ये समझ लो, 5% का मतलब 5/100, यानी ये तो आप याद भी हो गया होगा आपको, 1/20 होता है, 1/20, कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए, 2 साल यानी कि 2 साल बोले तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल बोले 3 बार लिखेंगे, 4 साल बोलेगा 4 बार, तो यानी बढ़ रहा है, इंक्रीज बोला हुआ ना, देखो तो यानी 20 से कितना हो जाता है 21, 20 से 21 और फिर 20 से 21, 2 साल के लिए है तो 2 बार होगा ये। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ हमेशा मल्टीप्लाई होगा ध्यान रखना, ये कितना होगा 441, ये स्टार्टिंग पॉपुलेशन था, ये इनिशियल था, और प्रेजेंट पॉपुलेशन ये इतना है, मतलब 2 साल पहले इतना पॉपुलेशन था, इतने यूनिट, तो 2 साल बाद इतना यूनिट होगा, तो इसका वैल्यू दे रखा है आपको, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है ना, तो ये अपने आप में इसको डिनोट करता है, तो इतने यूनिट का वैल्यू इतना है, तो इतने यूनिट का है तो इससे 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट के निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, और हमें निकालना है कितने का, 400 यूनिट का, क्योंकि 2 साल पहले का पूछा हुआ है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, नया होता है ना, ये ओरिजिनल स्टार्टिंग का और ये न्यू, ये प्रेजेंट का, ऐसा प्रेजेंट भी समझ सकते हो, तो आपको 400 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 401 का वैल्यू कितना है 10, 400 का कितना होगा, 400 मल्टीप्लाई 10 दैट मीन्स 4000, तो आंसर कितना होगा 4000, सी ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे एग्जाम में आप कर सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखा होता, मान लो 5% डिक्रीज बोलता, तो 20 के कंपेरिजन में 1 घटाना होता, यानी यहाँ 20 लिखते तो यहाँ 19, यहाँ 20 तो यहाँ 19, उसके बाद कर लेते हैं आप क्वेश्चन को आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेज बाय 10% एनुअली, एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% घटती है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 16000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, देखो 10% का मतलब 1/10, और कितने साल के लिए बोला हुआ है, 3 साल के लिए बोला हुआ है, और ये भी ध्यान रखना डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज बोला है, यानी 10 के कंपेरिजन में 1 हमें क्या करना है, घटाना है, तो 10 से कितना हो जाएगा 9, फिर 10 से कितना 9, और 10 से कितना 9, कितनी बार, कितने साल के लिए बोला, 3 साल के लिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1000, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 729। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखा है, प्रेजेंट यानी ये जो होता है प्रेजेंट में होता है, और ये पास्ट यानी 3 साल पहले इतना पॉपुलेशन था, तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 16000, आपसे 3 साल पहले का पूछा हुआ है, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना कि ये प्रेजेंट पॉपुलेशन बोला 16000 है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल बाद किसका पूछा है, विल बी बोला हुआ है, नॉट वॉज, वॉज पिछले क्वेश्चन में था, ये इसका मतलब पास्ट, देखो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ एक बार दोबारा, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना नहीं तो फिर एग्जाम में गलत हो जाएगा, जब अभी गलत मैं कर देता, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आपको अच्छे से, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रेजेंट में इतना पॉपुलेशन है और पूछा है 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले एगो लिखा हुआ है, यानी पहले का पूछा हुआ, तो फिर हमने यानी ये हमारे पास है, हम पीछे तो इधर ही जा सकते ना, इससे तो पीछे नहीं जा सकते ना, तो उस केस में हम इससे पीछे आ गए थे, यानी इसका वैल्यू दे रखा था और इसका हमने निकाल लिया था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो अलग है, अभी जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है, इसने बोला है कि हर साल पॉपुलेशन 10% डिक्रीज होती है और प्रेजेंट में पॉपुलेशन 16000 है स्टार्टिंग में, 3 साल में कितनी हो जाएगी, विल बी हो जाएगी, यानी ये वैल्यू यहाँ नहीं दे रखी, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 16000, इतना है अभी पॉपुलेशन, 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो 3 साल में तो बाद में ये भी होगा ना डिक्रीज होके, तो देखो घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा तो बाद में होगा ना,
वहाँ तो साफ साफ लिखा होता तो पीछे का निकाला था, इसमें बोला कि अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन इतनी, बाद में 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसका मीनिंग हिंदी में जब क्वेश्चन होगा तो यहाँ लिखा होगा 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इससे आप एक यूनिट का वैल्यू निकालिए, पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचा एक, नीचे कितना 16, तो एक का वैल्यू कितना 16, एक यूनिट की वैल्यू 16, आपको निकालना है कितना है 729 यूनिट का वैल्यू, तो 729 इंटू 16, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, देखो थोड़ा सा आइडिया आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आने वाला, फिर 4 एक ही ऑप्शन में, हालांकि होने को तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बट आप इसको मल्टीप्लाई करके जब चेक करोगे तो आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन, इस तरीके से। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ये पढ़ने में गलत मत करना, ये 3 साल बाद का पूछा हुआ है, यानी ये वाला पूछा हुआ है आपसे, ये दे रखा था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स ओनली, एक इलेक्शन में सिर्फ दो उम्मीदवार थे, द कैंडिडेट्स हु गेट्स 44% ऑफ द वोट्स इज रिजेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 216, एक कैंडिडेट जिसको 44% वोट मिला, वो रिजेक्ट का मतलब हार जाना, हार गया वो, तो कितने वोटों से हार गया वो, 216 वोट से हार गया, जिसको वो 44% वोट मिला, 44%, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड का मतलब कुल कितना मतदान हुआ वो बताना आपको उसकी संख्या। तो देखो लूजर को, यानी जो लूजर है जो हार गया उसको कितना परसेंट वोट मिला, 44%, ध्यान समझना क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, माइंड ले भी हो सकता है, लूजर को मिला 44%, तो विनर को कितना मिला होगा, विनर को मिला होगा 56%, कि भाई लूजर को इतना मिला 44%, तो भी वो हार गया, विनर को मिला होगा 56%, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो हार का कारण होगा, इन दोनों में जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा वही हार का कारण होगा, तो इसमें कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो इसमें से अगर आप घटाओगे तो निकल जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 2, और 5 में से, तो 12% का डिफरेंस है, और 12% तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 12 है, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग कितना है, कितने वोट से हारा है वो, 216, तो 12% किसके बराबर है, 216 के बराबर, तो इससे क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, यानी 12 से कैंसिल करते हैं, तो 12 से कितने बार में कटेगा, 12, 1% का वैल्यू 18 आ जाएगा, और आपको बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, कितना मतदान हुआ, मतदान यानी मतदान होने का मतलब 100% पूछा गया आपसे, तो 100% का मतलब 18 मल्टीप्लाई 100, तो ये 1800 आपका आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, इतना डर लगता है, वो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर बस क्वेश्चन को समझ, आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा सोचने का तरीका, इस क्वेश्चन को ऐसा सोचा जा सकता है, जबकि आप क्या करेंगे इसमें एक्स लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का मतलब गोला, एक गोले का, गोले की त्रिज्या बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है, कितना 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तो 10% का मतलब आप तो याद हो चुका है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा 4/3 πr³। अब देखो यही चीज़ मुझे समझाना है इस क्वेश्चन में आपको, कि कभी भी जब परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन आएगा, तो उस केस में ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना आगे, जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, ये जो पाई होता है, इन सब का कोई यूज नहीं है परसेंटेज में, क्योंकि बाद में ना एक्चुअली में जब डिटेल मेथड करके आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो वहाँ पे बाद में कैंसिल हो जाना, जब बटे में फ्रैक्शन में रखे चेंज करेंगे काटेंगे, तो इसका कोई यूज नहीं है, यानी यूज किसका है, जो रेडियस या हाइट जो गिवन होगी, डायमीटर, उन सब का यूज है, तो r³, यानी r³ का मतलब 3 बार लिखना है इसे, 3 बार रेडियस बढ़ेगा या घटेगा जैसा भी क्वेश्चन बोला गया है, इंक्रीज बोला है 10%, यानी 10 के कंपैरिजन में कितना 11, 3 बार लिख लीजिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1000, और इसे करेंगे तो कितना होगा 1331 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिफरेंस कितने का है, या तो आप इसे 100 बना लीजिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसे भी 100 बना सकते हैं 10 से डिवाइड करके, या इसका डिफरेंस देख लो तो कितना 331 अपॉन में कितना आएगा 1000 इंटू में कितना 100, आंसर कितना आ गया 33.1%, और ये इंक्रीज होगा डिक्रीज, देखो इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा इंक्रीज। ओके तो वॉल्यूम में इतने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर किसी भी स्फीयर के रेडियस को इतने परसेंट बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम में इतने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, आप इसको डिटेल मेथड से एक्स लेकर आर लेकर कुछ भी लेकर सॉल्व करना, इतना ही आंसर आएगा, तो पूरा एक एक पेज भरने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं एक साथ, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज डिक्रीज बाय 50%, कोन का मतलब शंकु होता है, और एक शंकु के त्रिज्या को 50% डिक्रीज कर दिया जाता है, एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और हाइट को बढ़ा दिया जाता है 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो देखो पहले क्या है, पहले रेडियस है,
रेडियस को 50% डिक्रीज किया गया, 50% डिक्रीज, 50% का मतलब 1/2, और हाइट को 20% बढ़ाया गया है, 20% इनक्रीज किया गया है, 20% का मतलब 1/5 होता है, वो आपको समझ में आ चुका है। अब इसमें बात किसकी कर रहा है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम बोले टी एस से बोले सी एस से कुछ भी बोलेगा, तो देखो करना कैसे, अगर कौन का वॉल्यूम है तो कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h, तो यहाँ पे भी 1/3 और पाई का कोई यूज नहीं है, ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में सिर्फ आर स्क्वायर और एच का यूज है। अगर मान लो सी एस से बोलता या टी एस से बोलता तो उस केस में, यानी सी एस या टी एस से होता तब तो फिर हमारे पास स्लांट हाइट भी गिवन गिवन होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्लांट हाइट को लेते हैं, ओके। वहाँ पे भी पाई का कोई यूज नहीं, उन सबको इग्नोर करना आपको परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में। तो देखो आर स्क्वायर, आर को 2 बार लिख लीजिए और एच 1 बार है, तो एच को 1 बार लिख लीजिए। अब जैसा बोला गया वैसे करते जाइए। ये रेडियस डिक्रीज हुआ है, यानी 2 के कंपेरिजन में इसे ऊपर वाले को घटाना है, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना होगा 1, 2 के कंपेरिजन में यहाँ पे 1, क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो ऊपर वाला घटता है या बढ़ता है जैसा क्वेश्चन बोलेगा। यहाँ बोला है कि 20% इंक्रीज, यानी 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर करेंगे तो कितना होगा 20 और इधर करेंगे तो 6, या तो इसका डिफरेंस लेके परसेंटेज निकाल लीजिए जो मैंने बता चुका आपको, अदरवाइज इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 100 और ये 30 कितने का चेंज आया, 70% का ना, तो यानी आंसर कितना होगा 70% डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा 70% डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा खुद से ट्राई करने के लिए, ग्रुप में FB ग्रुप बना हुआ है दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में आंसर, वहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा करने के लिए, और जरूरत पड़ी तो अगली वीडियो एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें और बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए जाएंगे, या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बेलन है, यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों के लिए बोला गया कितना परसेंट ईच का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक को 20% बढ़ाया गया है, रेडियस को भी 20% बढ़ाया गया है और हाइट को भी 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का मतलब 1/5। फिर पूछा क्या गया, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय, वॉल्यूम की बात कर रहा है। देखो वॉल्यूम में थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दो, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो तो कौन का होता है इसका πr² h, या अगर इसका सी एस से पूछता तो 2πr h होता, सी एस से अगर पूछता तो सी एस से क्या होता है 2πr h वॉल्यूम ये, या टी एस से भी आगे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सी एस से में भी अगर हम सी एस से सॉल्व करना होता तो हम 2π को इग्नोर करते हैं सिर्फ, और आर और एच को लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम करना है तो πr² h को, तो पाई को इग्नोर करेंगे और क्या लेंगे r² h, तो r² h का मतलब r को 2 बार लिखना है और h को 1 बार लिखना है। और अब कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, r को 2 बार लिखने का मतलब क्या हुआ, r बढ़ता, दोनों तो सेम परसेंट बढ़ा है, तो 5 से 6 हुआ है, ये भी 5 से 6, और हाइट में भी यही है इंक्रीज हुआ है, तो 5 के कंपेरिजन में 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इसका जब डिफरेंस निकालेंगे आप तो कितना आने वाला है बताइए, 91 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 91 अपॉन में कितना 125 इंटू में 100, 25 से सॉल्व करेंगे 4 बार में, 25 से करेंगे तो 5 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसे करेंगे तो 364 हो जाएगा अपॉन में 5। अब एक तरीका ये भी होता है, आपने सीखा होगा, आपको आता होगा, किसी भी नंबर को 5 से 5 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, हाँ आप दिख रहा होगा, 5 से डिवाइड करने से अच्छा है कि ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 डेसिमल लगा दो। देखो 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3672, ये कितना हो जाएगा 7728 हो जाएगा, लेकिन क्या हमने 2 से मल्टीप्लाई करके किया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो आंसर कितना आ गया 72.8%, कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ओके डी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को किया है हमने, होपफुली समझ में आया होगा, एक बार अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा वीडियो को देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और दूसरों तक शेयर करना, वीडियो को पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, और ना पसंद आई तो कमेंट करके बताना कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ताकि अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन अच्छे से और कराया जा सके, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है आपको शायद समझ में थोड़ा कम आया हो, बट 2 बार वीडियो को देखोगे ना, एक बार पहली बार आपने देख लिया अब तक, एक बार और देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, खुद से ट्राई करना कॉपी में लेके, पेन कॉपी पेन लेके खुद से ट्राई करना कॉपी में, हो जाएगा, बट जो स्टार्टिंग में चार्ट बताया था वो चार्ट जरूर नोट कर लेना कॉपी में।
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहो।